जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अभी आपको जो चीज़ें मैं बताने वाला हूं इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी कोई भी गलती की तो आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, आपके परिवार की ज़िंदगी खराब हो सकती है। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में आपको मैं कुछ एक चीज़ें बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मान लो अगर वो एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी करने वाले भी बच्चे बहुत हैं, तो जो भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो विशेष रूप से जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अभी के अनुसार इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों सबसे पहले अगर आपके स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं तो आपको वहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन के दौरान कई प्रकार के झगड़े हो जाते हैं। अगर आपका गलती से भी किसी केस में नाम आ गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, भले ही आपकी नौकरी लगने के बाद, मेरिट आने के बाद में भी आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम पे पहले से केस है या किसी ने केस कर दिया ज़बरदस्ती। आप सभी को पता है कि कोई भी केस कर देगा, कई बार लोग जलते भी आपसे आपकी प्रगति देख के। अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते फिर वो आपकी बुराई करना शुरू करते हैं। तो जो लोग बुराई करते हैं वो उनको और तो कुछ सोचता नहीं, या तो वो आपके बारे में बदनामी करेंगे या केस वेस कर देंगे। दोस्तों केवल केस करने से कुछ नहीं होता है, अगर आप पे किसी भी प्रकार का केस है तो उससे आपको हानि नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोर्ट से पनिशमेंट, अगर 100 रुपये का चालान भी लग जाता है, आपको कोर्ट से पनिशमेंट मिल जाता है तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपके स्टेट में इलेक्शन चल रहा है तो आप उनसे दूर रहिए, ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करने की ना ही सोचे तो बेटर रहेगा। दूसरा, अभी प्रेजेंट टाइम में देश में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना बहुत ही तेज़ी से फैल रहे हैं। अगर आपको गलती से कोरोना हो गया दोस्तों तो कोरोना का तो कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको कोरोना हो जाने के बाद में आपको रिकवरी करने में 1 से 2 महीना ढंग से लग जाएगा, यानी 2 महीने से ज़्यादा भी लग जाएगा रिकवरी करने से, और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। बहुत सारी ऐसी कोरोना की वजह से अदर बीमारियाँ भी आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आप एसएससी जीडी आर्मी जैसे मेडिकल फाइट नहीं कर पाओगे, मेडिकल के समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोरोना की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से अगर आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है, फिर कोई बीमारी अगर आपके शरीर को पकड़ लेती है तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक, भीड़ भड़ाके वाली जगह से इनसे तो भी बचना ही बचना है, बाकी कहीं पे भी जहाँ पे भी आप रहते हैं लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहे। अगर आप नहीं, आप मान लो लड़ाई झगड़ा नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपके परिवार में या कुछ भी ऐसी घटनाएं होती है तो आप उससे बच के रहे, कि किसी भी कारण अगर आप पे कोर्ट में केस हो गया, यानी किसी भी लड़ाई झगड़े में, यार दोस्ती में, अगर आप कहीं जाते हो लड़ाई झगड़े में और आप तैयारी करने वाले हो तो आपको उससे बचकर रहना है, आपको उनसे दूरी बनानी है। अगर आपके परिवार में सामूहिक कोई, बहुत सारे परिवार हैं जिनमें अड़ोसियों पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो वहाँ पर अपनी बहादुरी नहीं दिखानी दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े करने से आपको भले आपकी गलती नहीं भी है लेकिन नुकसान अगर आपको हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो, आपको आगे चल के फोर्स ज्वाइन करनी है या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विस लगनी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कोर्ट पे केस ना हो। कोर्ट में अगर केस लग गया गलती से, चलो किसी ने ज़बरदस्ती लगाया तो उसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गलती से भी आपको कोर्ट से पनिशमेंट मिल जाता है तो फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन के समय। पुलिस वेरिफिकेशन के समय आपका जब चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो उस समय आपके पास में वो रहेगा नहीं, और आपको उसमें सीधा सीधा लिखा जाएगा कि इस पर ये केस और ये पनिशमेंट लिखा गया, तो उसके बाद में आपकी नौकरी खराब हो जाएगी। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कहीं पे भी आपके स्टेट में इलेक्शन, चाहे छोटे बड़े कुछ भी। दूसरा, कोरोना काल में जैसे बहुत सारे स्टेट में 144 की धारा लग चुकी है या कोरोना काल में बहुत सारी पाबंदियां लगती है मास्क के, तो कहीं पे भी अपनी बहादुरी नहीं दिखाई। जहां पर धारा लगी है, कर्फ्यू लगी है, उसका आपको अच्छे से पालन करना है, पालन तोड़ना नहीं है। किसी भी कारणों से अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पर कोऑपरेट करना है पुलिस फोर्स के साथ। अगर उन्होंने गलती से भी आपको कोर्ट में फेस कर दिया और कोर्ट ने एक दिन की भी अगर आपको सज़ा दे दी तो फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब है, आपकी इतने दिन की पढ़ाई की हुई, इतने दिन की मेहनत की हुई पूरी पर पानी फिर जाएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें अगर आप प्रेजेंट टाइम में आने वाले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ पे भी 144 धारा लगती है, कर्फ्यू लगता है, नाइट कर्फ्यू लगता है, आपको उसका पूरा अच्छे से पालन करना है, क्योंकि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उस पर, क्योंकि कई प्रकार के केस कोई भी लगा देगा, या आप किसी मास्क के कारण, एक छोटे से मास्क के कारण भी अगर आपकी कहीं जिद वेश हो गई और केस लग गया और कोर्ट ने आपको अगर पनिश कर दिया, जुर्माना ठोक दिया, तो फिर आपकी ज़िंदगी ठुक जाएगी। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद।